सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जून के लिए टाल दी है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला लेगी, इसलिए सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी जाए। केंद्र ने कोर्ट को 2 दिन के भीतर अपना आखिरी फैसला अवगत कराए जाने की बात कही है। इस पर जज ने कहा कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप समय लीजिए, लेकिन अगर पिछले साल से कुछ अलग निर्णय ले तो उसकी उचित वजह होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन से पहले कुछ पेपर हो चुके थे, तब परिस्थिति अलग थी। फिर जज ने कहा कि हम अभी विस्तार में नहीं जाना चाहते, आप पहले इस साल के लिए निर्णय लीजिए, ऐसा सरकार को कहा गया है। इससे पहले 28 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को सौंपे ताकि वह जवाब दे सके। याचिका में कहा गया कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। ये खबर है सीबीएसई और आईसीएसई को लेकर, चूंकि इस पर 3 तारीख को फैसला आना है। क्या कुछ फैसला होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।